Want to speak real Urdu from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at urdupod101.com. Hi everyone, how are your Urdu listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? एक शख्स और उसकी बीवी चंद नक्शे देख रहे हैं। वो कौन सा अपार्टमेंट देखेंगे? इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें एक उम्दा बड़ा लिविंग रूम है। मुझे बड़ा लिविंग रूम पसंद है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह भी चाहिए। चलो देखते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो उम्दा है, उसे देखने चलें। एक सेकंड रुकें, क्या ये अलमारी कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है? अच्छी बात सुझाई, लगता है कि ऐसा कोई नहीं जिसको बेहतरीन कह सकें। रुकिए, ये कैसा लगता है? इसमें हमें दरकार हर चीज़ मौजूद है, है ना? और ये अलमारी काफी बड़ी भी है। आए हम इसको देखते हैं। ठीक है। वो कौन सा अपार्टमेंट देखेंगे? एक शख्स और उसकी बीवी चंद नक्शे देख रहे हैं। वो कौन सा अपार्टमेंट देखेंगे? इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें एक उम्दा बड़ा लिविंग रूम है। मुझे बड़ा लिविंग रूम पसंद है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह भी चाहिए। चलो देखते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो उम्दा है, उसे देखने चलें। एक सेकंड रुकें, क्या ये अलमारी कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है? अच्छी बात सुझाई, लगता है कि ऐसा कोई नहीं जिसको बेहतरीन कह सकें। रुकिए, ये कैसा लगता है? इसमें हमें दरकार हर चीज़ मौजूद है, है ना? और ये अलमारी काफी बड़ी भी है। आए हम इसको देखते हैं। ठीक है। एक मर्द किसी होटल में रिजर्वेशन करवा रहा है। वो किस कमरे में कयाम करेगा? सी साइड होटल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, मैं 22 सितंबर को एक रात के लिए कयाम करना चाहता हूँ। यकीनन, एक रात 22 सितंबर से कितने लोग? दो। जनाब, आप सिगरेट नोशी वाला कमरा पसंद करेंगे या गैर सिगरेट नोशी वाला? गैर सिगरेट नोशी वाला। उस दिन दस्तयाब गैर सिगरेट नोशी वाला वाहिद कमरा पहाड़ी मंजर वाला कमरा है। क्या ये ठीक रहेगा? अच्छा, दरअसल मैं एक समुंदरी मंजर वाले कमरा की तवक्का कर रहा था। मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन उस दिन दस्तयाब समुंदरी मंजर वाला कमरा सिगरेट नोशी वाला कमरा है। ऐसा है क्या? क्या 23 सितंबर को कोई गैर सिगरेट नोशी वाला समुंदरी मंजर वाला कमरा दस्तयाब है? जी हाँ, दस्तयाब है। ठीक है, हम 23 सितंबर को कयाम करेंगे। वो किस कमरे में कयाम करेगा? एक मर्द किसी होटल में रिजर्वेशन करवा रहा है। वो किस कमरे में कयाम करेगा? सी साइड होटल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, मैं 22 सितंबर को एक रात के लिए कयाम करना चाहता हूँ। यकीनन, एक रात 22 सितंबर से कितने लोग? दो। जनाब, आप सिगरेट नोशी वाला कमरा पसंद करेंगे या गैर सिगरेट नोशी वाला? गैर सिगरेट नोशी वाला। उस दिन दस्तयाब गैर सिगरेट नोशी वाला वाहिद कमरा पहाड़ी मंजर वाला कमरा है। क्या ये ठीक रहेगा? अच्छा, दरअसल मैं एक समुंदरी मंजर वाले कमरा की तवक्का कर रहा था। मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन उस दिन दस्तयाब समुंदरी मंजर वाला कमरा सिगरेट नोशी वाला कमरा है। ऐसा है क्या?
क्या 23 सितंबर को कोई गैर सिगरेट नोशी वाला समुंदरी मंजर वाला कमरा दस्तयाब है? जी हाँ, दस्तयाब है। ठीक है, हम 23 सितंबर को क़याम करेंगे। एक खातून अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वो अपने बालों को किस तरह तब्दील करना चाहेगी? हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हेलो, मैंने रिची के नाम से 3 बजे की बुकिंग करवाई है। अच्छा हाँ, खुशामदीद मिस रिची, बराहे करम यहाँ तशरीफ़ लाएं। मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपने हेयर स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली करवाना चाहूँगी। ठीक है, आप कितनी लंबाई पसंद करेंगी? तकरीबन कंधों तक लंबाई। ठीक है, और मांग का क्या करना है? मांग को ऐसे ही रहने दीजिए। सीधे नीचे की जानिब या एक जानिब की मांग? थोड़ा एक जानिब। किस जानिब? दरमियान से थोड़ा सा बाएं जानिब ठीक रहेगी। समझ गया, पहले हम शैम्पू से आगाज करेंगे, इसलिए जरा इस तरफ आए। वो अपने बालों को किस तरह तब्दील करना चाहेगी? एक खातून अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वो अपने बालों को किस तरह तब्दील करना चाहेगी? हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हेलो, मैंने रिची के नाम से 3 बजे की बुकिंग करवाई है। अच्छा हाँ, खुशामदीद मिस रिची, बराहे करम यहाँ तशरीफ़ लाएं। मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपने हेयर स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली करवाना चाहूँगी। ठीक है, आप कितनी लंबाई पसंद करेंगी? तकरीबन कंधों तक लंबाई। ठीक है, और मांग का क्या करना है? मांग को ऐसे ही रहने दीजिए। सीधे नीचे की जानिब या एक जानिब की मांग? थोड़ा एक जानिब। किस जानिब? दरमियान से थोड़ा सा बाएं जानिब ठीक रहेगी। समझ गया, पहले हम शैम्पू से आगाज करेंगे, इसलिए जरा इस तरफ आए। एक तालबे इल्म और तालिबा मुलाजमत के इश्तिहार की तरफ देख रहे हैं। तालिबा किस मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देगी? हेलो, इस मुलाजमत के बारे में आपकी क्या राय है? घंटावार तनख्वाह काफ़ी ऊंची है। बिल्कुल, तनख्वाह उम्दा मालूम होती है, लेकिन क्या वाकई आप अखबार पहुंचाने का काम करेंगी? यकीनन मैं अच्छी तरह साइकिल चला सकती हूँ, लेकिन मैं जल्दी उठने के मामले में परेशान हूँ। ये कैसा रहेगा, तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप 1 हफ्ता में 2 या 3 दिन काम कर सकती हैं और शाम से ही काम शुरू कर सकती हैं। अच्छा, क्या यही? एक सुपरमार्केट के कैशियर की मुलाजमत है ना? अच्छा, स्कूल के बाद काम करना ठीक रहेगा। ये एक काफ़ी शॉप के लिए है और ये भी ठीक रहेगी। अरे हाँ, मैं इस जगह को पसंद करती हूँ और ये मेरे स्कूल के रास्ते में वाक़या है। बुरी नहीं है, है ना? मैं किसके लिए दरख्वास्त दूँ? किन 2 मुलाजमत के दरमियान, काफ़ी शॉप और अखबार पहुँचाने की मुलाजमत? जी हाँ, अखबार पहुँचाने की तनख्वाह वाकई बहुत उम्दा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे सिर्फ जल्दी उठना होगा। तालिबा किस मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देगी? एक तालबे इल्म और तालिबा मुलाजमत के इश्तिहार की तरफ देख रहे हैं। तालिबा किस मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देगी? हेलो, इस मुलाजमत के बारे में आपकी क्या राय है? घंटावार तनख्वाह काफ़ी ऊंची है। बिल्कुल, तनख्वाह उम्दा मालूम होती है, लेकिन क्या वाकई आप अखबार पहुंचाने का काम करेंगी? यकीनन मैं अच्छी तरह साइकिल चला सकती हूँ, लेकिन मैं जल्दी उठने के मामले में परेशान हूँ।
یہ کیسا رہے گا؟ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ہفتہ میں 2 یا 3 دن کام کر سکتی ہیں اور شام سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، کیا یہی ایک سپر مارکیٹ کے کیشئر کی ملازمت ہے نا؟ اچھا، اسکول کے بعد کام کرنا ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک کافی شاپ کے لیے ہے اور یہ بھی ٹھیک رہے گی۔ ارے ہاں، میں اس جگہ کو پسند کرتی ہوں اور یہ میرے اسکول کے راستے میں واقع ہے۔ بری نہیں ہے، ہے نا؟ میں کس کے لیے درخواست دوں؟ کن 2 ملازمت کے درمیان؟ کافی شاپ اور اخبار پہنچانے کی ملازمت؟ جی ہاں، اخبار پہنچانے کی تنخواہ واقعی بہت عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صرف جلدی اٹھنا ہوگا۔ ایک خاتون ڈریس کا انتخاب کر رہی ہے اور دکاندار سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ یہ آپ پر خوب جچتا ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کے ناپ کا ہے۔ جی ہاں، یہ ناپ کا تو ہے، لیکن میں عموماً سادہ رنگوں والا لباس پہنتی ہوں۔ میں اس قسم کے پیٹرن کا لباس نہیں استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ اچھی لگتی ہیں۔ جی ہاں، پھر بھی دراصل اس لباس کو پہننے کے لیے مجھے کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ یہ پیٹرن بہت زیادہ محتاط ہے، اس لیے یہ زیادہ بھڑکیلا نہیں لگے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کو آزماتی ہوں۔ آگے دائیں جانب جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے محترمہ؟ یہ پچھلے ڈریس کے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ڈیزائن میں لمبی آستینوں والا ڈریس موجود ہے؟ ہاں، ہمارے پاس موجود ہے۔ شکریہ، میں وہی خریدوں گی۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ ایک خاتون ڈریس کا انتخاب کر رہی ہے اور دکاندار سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ یہ آپ پر خوب جچتا ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کے ناپ کا ہے۔ جی ہاں، یہ ناپ کا تو ہے، لیکن میں عموماً سادہ رنگوں والا لباس پہنتی ہوں۔ میں اس قسم کے پیٹرن کا لباس نہیں استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ اچھی لگتی ہیں۔ جی ہاں، پھر بھی دراصل اس لباس کو پہننے کے لیے مجھے کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ یہ پیٹرن بہت زیادہ محتاط ہے، اس لیے یہ زیادہ بھڑکیلا نہیں لگے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کو آزماتی ہوں۔ آگے دائیں جانب جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے محترمہ؟ یہ پچھلے ڈریس کے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ڈیزائن میں لمبی آستینوں والا ڈریس موجود ہے؟ ہاں، ہمارے پاس موجود ہے۔ شکریہ، میں وہی خریدوں گی۔ ایک کمپنی کا صدر اور اس کی سیکرٹری فون پر بات کر رہے ہیں۔ سیکرٹری کون سی دستاویز سیلز ڈپارٹمنٹ کو فراہم کرے گی؟ ہیلو، آپ مجھ پر ایک احسان کر سکتی ہیں؟ میرے ڈیسک پر ایک دستاویز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سیلز ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیں۔ جی ضرور، یہ کون سی دستاویز ہے؟ میرا خیال ہے یہ نیلے لفافے میں ہے۔ نیلا لفافہ؟ اچھا، آپ کے ڈیسک پر 2 نیلے لفافے ہیں۔ ارے ہاں، اس لفافے کے اوپر دائیں جانب ایک سرخ مہر ہے۔ سبز رنگ کی مہر والے میں وہ دستاویز ہے جو ہم نئی بھرتی کے موقع پر تعارف کرواتے ہوئے دیتے ہیں۔ سرخ مہر والا، ٹھیک ہے، مجھے مل گیا یہ۔ بہت خوب، اب براہ مہربانی دن 1 بجے تک اسے سیلز ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیجیے گا، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے براہ راست مینیجر کو بھیجیں۔ آپ انہیں جانتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، میری ان سے بہت مرتبہ ملاقات اور بات ہو چکی ہے۔ بہت اچھا۔ ارے ہاں، اور کیا آپ دوسرا لفافہ HR ڈپارٹمنٹ تک پہنچا سکتی ہیں؟
जी सर। सेक्रेटरी कौन से दस्तावेज सेल्स डिपार्टमेंट को फराहम करेगी? एक कंपनी का सदर और इसकी सेक्रेटरी फोन पर बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी कौन से दस्तावेज सेल्स डिपार्टमेंट को फराहम करेगी? हेलो, आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं? मेरे डेस्क पर एक दस्तावेज है और मैं चाहता हूं कि आप उसे सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा दें। जी जरूर, ये कौन सी दस्तावेज है? मेरा ख्याल है ये नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा? अच्छा, आपके डेस्क पर दो नीले लिफाफे हैं। अरे हाँ, इस लिफाफे के ऊपर दाएं जानिब एक सुर्ख मोहर है। सब्ज रंग की मोहर वाले में वो दस्तावेज है जो हम नई भर्ती के मौका पर तारुफ करवाते हुए देते हैं। सुर्ख मोहर वाला, ठीक है, मुझे मिल गया ये। बहुत खूब, अब बराह मेहरबानी दिन 1 बजे तक इसे सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा दीजिएगा और इस बात को यकीनी बनाएं कि इसे बराह रास्त मैनेजर को भेजें। आप इन्हें जानती हैं, ऐसा ही है ना? जी हाँ, मेरी उनसे बहुत मर्तबा मुलाकात और बात हो चुकी है। बहुत अच्छा। अरे हाँ, और क्या आप दूसरा लिफाफा HR डिपार्टमेंट तक पहुँचा सकती हैं? जी सर, एक खातून फोन पर किसी रेस्टोरेंट वालों से बात कर रही है। वो किस मेज पर दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ दोपहर का खाना खाया था और मेरा ख्याल है मैं अपना स्कार्फ छोड़ गई हूँ। आपने अपना स्कार्फ मेज पर छोड़ा था? क्या आपको याद है कि आपको कहाँ बिठाया गया था? मैं जाकर उसे तलाश कर आता हूँ। हाँ, ये रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में था। आप तंबाकू नोशी वाले हिस्सा में थी या गैर तंबाकू नोशी वाले में? गैर तंबाकू नोशी वाला हिस्सा। आप काउंटर पर बैठी थी या मेज पर? मैं उस मेज पर थी जो 4 लोगों के लिए होती है। ठीक है, फिर मैं जाकर जांच पड़ताल करता हूँ। बराह मेहरबानी एक लम्हे के लिए इंतजार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो किस मेज पर दोपहर का खाना खा रही थी? एक खातून फोन पर किसी रेस्टोरेंट वालों से बात कर रही है। वो किस मेज पर दोपहर का खाना खा रही थी? हेलो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ दोपहर का खाना खाया था और मेरा ख्याल है मैं अपना स्कार्फ छोड़ गई हूँ। आपने अपना स्कार्फ मेज पर छोड़ा था? क्या आपको याद है कि आपको कहाँ बिठाया गया था? मैं जाकर उसे तलाश कर आता हूँ। हाँ, ये रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में था। आप तंबाकू नोशी वाले हिस्सा में थी या गैर तंबाकू नोशी वाले में? गैर तंबाकू नोशी वाला हिस्सा। आप काउंटर पर बैठी थी या मेज पर? मैं उस मेज पर थी जो 4 लोगों के लिए होती है। ठीक है, फिर मैं जाकर जांच पड़ताल करता हूँ। बराह मेहरबानी एक लम्हे के लिए इंतजार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मर्द एक अपार्टमेंट तलाश कर रहा है। वो कौन सा अपार्टमेंट मुंतखब करेगा? माफ कीजिएगा, मैं इस इलाके में एक अपार्टमेंट तलाश कर रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ मनाजिल की मंसूबा बंदी दिखा सकते हैं? यकीनन। क्या ये एक शख्स के लिए है? जी नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा। मुझे एक नशिस्तगाह, एक ख्वाबगाह और एक मुतालिये का कमरा चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? एक नशिस्तगाह के अलावा 2 कमरे हैं, ताहम ये कुछ पुरशोर हो सकता है क्योंकि ये एक बड़ी सड़क के करीब वाक़या है। अच्छा, मैं आम तौर पर घर में काम करता हूँ, इसलिए मुझे एक पुरसकून जगह की ज़रूरत है और मैं मुरब्बा शक्ल की नशिस्तगाह को तरजीह दूंगा। अच्छा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये स्टेशन से थोड़ा दूर वाक़या है लेकिन पुरसकून रिहायशी इलाके में है। 2 कमरे और नशिस्तगाह है लेकिन एक कमरा ज़रा तंग सा है। हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसलिए ये वाला हमारे लिए काफ़ी हो सकता है।
हम आपको एक और अपार्टमेंट दिखा सकते हैं जिसमें दो वसीह कमरे हैं, लेकिन ये स्टेशन से बहुत दूर वाक़ है। जी नहीं, शुक्रिया। आपने जो दूसरे वाला दिखाया था, मैं वो देखना पसंद करूँगा। वो कौन सा अपार्टमेंट मुंतखब करेगा? एक मर्द एक अपार्टमेंट तलाश कर रहा है। वो कौन सा अपार्टमेंट मुंतखब करेगा? माफ कीजिएगा, मैं इस इलाके में एक अपार्टमेंट तलाश कर रहा हूँ। क्या आप मुझे कुछ मनाजिल की मंसूबा बंदी दिखा सकते हैं? यकीनन। क्या ये एक शख्स के लिए है? जी नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। मुझे एक नशिस्तगाह, एक ख्वाबगाह और एक मुतालिये का कमरा चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? एक नशिस्तगाह के अलावा दो कमरे हैं, ताहम ये कुछ पुरशोर हो सकता है क्योंकि ये एक बड़ी सड़क के करीब वाकया है। अच्छा, मैं आम तौर पर घर में काम करता हूँ, इसलिए मुझे एक पुरसकून जगह की ज़रूरत है और मैं मुरब्बा शक्ल की नशिस्तगाह को तरजीह दूंगा। अच्छा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये स्टेशन से थोड़ा दूर वाकया है, लेकिन पुरसकून रिहायशी इलाके में है। दो कमरे और नशिस्तगाह है, लेकिन एक कमरा ज़रा तंग सा है। हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसलिए ये वाला हमारे लिए काफ़ी हो सकता है। हम आपको एक और अपार्टमेंट दिखा सकते हैं जिसमें दो वसीह कमरे हैं, लेकिन ये स्टेशन से बहुत दूर वाकया है। जी नहीं, शुक्रिया। आपने जो दूसरे वाला दिखाया था, मैं वो देखना पसंद करूंगा। एक खातून सालगिरह के केक का ऑर्डर दे रही है। वो किस केक का ऑर्डर देगी? माज़रत चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए एक सालगिरह के केक का ऑर्डर देना चाहती हूँ। जी बहुत बेहतर। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किस किस्म के केक की तलाश है? मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है, इसलिए मेरे ख्याल में चॉकलेट केक ठीक रहेगा। और क्या आप इस पर स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास गोल और मुरब्बा केक हैं। आप किसको तरजीह देंगी? बराहे मेहरबानी एक अदद गोल। जी ठीक है, आपकी बेटी की उम्र कितनी होने वाली है? वो 12 साल की हो जाएगी। जी ठीक है, फिर हम 12 मोमबत्तियाँ तैयार कर लेंगे। क्या आप कोई पैगाम लिखना चाहेंगी? जी हाँ, बराहे मेहरबानी सालगिरह मुबारक लिखते हैं। जी ठीक है, और क्या आप ये गुलाबी रंग में लिखवाना चाहेंगी? अगर ऐसा है तो इसे हम एक सफ़ेद प्लेट पर रख देंगे। दूसरी सूरत में हम इसे सफ़ेद रंग में लिख सकते हैं और एक गुलाबी प्लेट पर रख सकते हैं। बराहे मेहरबानी इसे गुलाबी रंग में लिखकर सफ़ेद प्लेट पर रख दें। वो किस केक का ऑर्डर देगी? एक खातून सालगिरह के केक का ऑर्डर दे रही है। वो किस केक का ऑर्डर देगी? माज़रत चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए एक सालगिरह के केक का ऑर्डर देना चाहती हूँ। जी बहुत बेहतर। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किस किस्म के केक की तलाश है? मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है, इसलिए मेरे ख्याल में चॉकलेट केक ठीक रहेगा। और क्या आप इस पर स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास गोल और मुरब्बा केक हैं। आप किसको तरजीह देंगी? बराहे मेहरबानी एक अदद गोल। जी ठीक है, आपकी बेटी की उम्र कितनी होने वाली है? वो 12 साल की हो जाएगी। जी ठीक है, फिर हम 12 मोमबत्तियाँ तैयार कर लेंगे। क्या आप कोई पैगाम लिखना चाहेंगी? जी हाँ, बराहे मेहरबानी सालगिरह मुबारक लिखते हैं। जी ठीक है, और क्या आप ये गुलाबी रंग में लिखवाना चाहेंगी? अगर ऐसा है तो इसे हम एक सफ़ेद प्लेट पर रख देंगे। दूसरी सूरत में हम इसे सफ़ेद रंग में लिख सकते हैं और एक गुलाबी प्लेट पर रख सकते हैं। बराहे मेहरबानी इसे गुलाबी रंग में लिखकर सफ़ेद प्लेट पर रख दें। एक मर्द और एक खातून मुंतकली के शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कब मुंतकिल होंगे? मेरा ख्याल है हमें मुंतकली की तारीख का फैसला कर लेना चाहिए और किसी मुंतकली कंपनी को बुला लेना चाहिए। हाँ,
میں کچھ منتقلی کمپنیاں دیکھ ہی رہا تھا۔ میں بہت زیادہ رقم ادا نہیں کرنا چاہتی۔ میں اتفاق کرتا ہوں، یہ کمپنی کچھ رعایتیں بھی دیتی ہے۔ مثلاً اگر ہم منتقلی کے روز سے کم از کم ایک ماہ پہلے بک کرائیں تو وہ 10% رعایت دیتے ہیں۔ ایک ماہ پہلے؟ پھر رعایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں 15 دسمبر کے بعد منتقل ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، اور اگر ہم کام کے دن کے علاوہ کسی روز بک کرائیں تو اضافی رعایت ہے۔ کام کے دن کے علاوہ کسی دن؟ اچھا، پیر کے صبح میری ایک میٹنگ ہے اور منگل اور بدھ کو نمائش ہے، تو جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ ہم ہفتے کے آخری ایام میں نئے گھر کو منظم بھی کر سکیں گے۔ جی ہاں، ارے رکیے، ان کا کہنا ہے کہ سوموار سے جمعرات تک 15% رعایت اور جمعے کو 5% رعایت ہے۔ اوہ، پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ہمیں اسے جس قدر ممکن ہو سستے میں حاصل کرنا چاہیے، ویسے بھی اس وقت تک میں نمائش سے بھی فارغ ہو جاؤں گی۔ وہ کب منتقل ہوں گے؟ ایک مرد اور ایک خاتون منتقلی کے شیڈیول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کب منتقل ہوں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں منتقلی کی تاریخ کا فیصلہ کر لینا چاہیے اور کسی منتقلی کمپنی کو بلا لینا چاہیے۔ ہاں، میں کچھ منتقلی کمپنیاں دیکھ ہی رہا تھا۔ میں بہت زیادہ رقم ادا نہیں کرنا چاہتی۔ میں اتفاق کرتا ہوں، یہ کمپنی کچھ رعایتیں بھی دیتی ہے۔ مثلاً اگر ہم منتقلی کے روز سے کم از کم ایک ماہ پہلے بک کرائیں تو وہ 10% رعایت دیتے ہیں۔ ایک ماہ پہلے؟ پھر رعایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں 15 دسمبر کے بعد منتقل ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، اور اگر ہم کام کے دن کے علاوہ کسی روز بک کرائیں تو اضافی رعایت ہے۔ کام کے دن کے علاوہ کسی دن؟ اچھا، پیر کے صبح میری ایک میٹنگ ہے اور منگل اور بدھ کو نمائش ہے، تو جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا کیونکہ ہم ہفتے کے آخری ایام میں نئے گھر کو منظم بھی کر سکیں گے۔ جی ہاں، ارے رکیے، ان کا کہنا ہے کہ سوموار سے جمعرات تک 15% رعایت اور جمعے کو 5% رعایت ہے۔ اوہ، پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ہمیں اسے جس قدر ممکن ہو سستے میں حاصل کرنا چاہیے، ویسے بھی اس وقت تک میں نمائش سے بھی فارغ ہو جاؤں گی۔ ایک آدمی ایک بھاؤ تاؤ والی سیل کے دوران خریداری کر رہا ہے، وہ کیا اور کتنے میں خریدے گا؟ معاف کیجیے گا، کیا یہ شرٹ صرف 3 کے سیٹ میں دستیاب ہے؟ ہم ان کو علیحدہ فروخت کر سکتے ہیں، لیکن یہ فی کرتا زیادہ مہنگا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، مجھے ایک ہی طرح کی 3 شرٹیں نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ 3 ٹائی والا یہ سیٹ بھی خریدیں تو ہم آپ کو شرٹ پر ایک رعایت دے سکتے ہیں، اس طرح یہ ایک کی قیمت پر 3 ہو جائیں گے۔ اچھا، 3 ٹائی والا سیٹ اور 3 شرٹ بھی ایک کی قیمت پر حاصل ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیگر 2 شرٹ کسی اور کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ایک غیر معمولی بچت ہے۔ وہ کیا اور کتنے میں خریدے گا؟ ایک آدمی ایک بھاؤ تاؤ والی سیل کے دوران خریداری کر رہا ہے، وہ کیا اور کتنے میں خریدے گا؟ معاف کیجیے گا، کیا یہ شرٹ صرف 3 کے سیٹ میں دستیاب ہے؟ ہم ان کو علیحدہ فروخت کر سکتے ہیں، لیکن یہ فی کرتا زیادہ مہنگا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، مجھے ایک ہی طرح کی 3 شرٹیں نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ 3 ٹائی والا یہ سیٹ بھی خریدیں تو ہم آپ کو شرٹ پر ایک رعایت دے سکتے ہیں، اس طرح یہ ایک کی قیمت پر 3 ہو جائیں گے۔ اچھا، 3 ٹائی والا سیٹ اور 3 شرٹ بھی ایک کی قیمت پر حاصل ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے۔
ठीक है, मैं दीगर दो शर्ट किसी और को दे दूंगा। ठीक है जनाब, ये एक गैर मामूली बचत है। एक खातून बैगों की सेल्स की रिपोर्ट दे रही है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला बैग कौन सा था? ये लीजिए हमारे पिछले माह मुतारिफ किए गए खवातीन के बैगों के बारे में रिपोर्ट। सबसे पहले रंग के बारे में, स्याह रंग वाला बैग सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला बैग था, और इसके बाद सफ़ेद और आसमानी नीला। जर्द अच्छी तरह फरोख्त नहीं हुए। जर्द रंग वाला ज्यादा फरोख्त नहीं हुआ। ओहो, शक्ल के मुतल्लिक क्या खबर है? बड़े साइज वाले बैग छोटे साइज वाले बैगों से ज्यादा फरोख्त हुए। ऐसे बैग जिनमें आप A4 साइज वाली नोटबुक्स और जराइद रख सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मकबूल थे। ठीक है। हैंडल के मुतल्लिक, चमड़े वाले हैंडल वाली जंजीरी हैंडल वाले बैगों से ज्यादा मकबूल रही। अच्छा, ऐसा लगता है कि ऐसे बैग ज्यादा फरोख्त होते हैं जो रस्मी स्टाइल वाले होते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने नए कलेक्शन के लिए पुरसकून रंग जैसे खाकस्त्री या भूरे रंग को ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल सही। तो अपने अगले कलेक्शन के लिए खाकस्त्री रंग अपनाना अच्छा रहेगा। आप जर्द रंग वाले बैगों की पैदावार रोक सकते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला बैग कौन सा था? एक खातून बैगों की सेल्स की रिपोर्ट दे रही है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला बैग कौन सा था? ये लीजिए हमारे पिछले माह मुतारिफ किए गए खवातीन के बैगों के बारे में रिपोर्ट। सबसे पहले रंग के बारे में, स्याह रंग वाला बैग सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला बैग था, और इसके बाद सफ़ेद और आसमानी नीला। जर्द अच्छी तरह फरोख्त नहीं हुए। जर्द रंग वाला ज्यादा फरोख्त नहीं हुआ। ओहो, शक्ल के मुतल्लिक क्या खबर है? बड़े साइज वाले बैग छोटे साइज वाले बैगों से ज्यादा फरोख्त हुए। ऐसे बैग जिनमें आप A4 साइज वाली नोटबुक्स और जराइद रख सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मकबूल थे। ठीक है। हैंडल के मुतल्लिक, चमड़े वाले हैंडल वाली जंजीरी हैंडल वाले बैगों से ज्यादा मकबूल रही। अच्छा, ऐसा लगता है कि ऐसे बैग ज्यादा फरोख्त होते हैं जो रस्मी स्टाइल वाले होते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने नए कलेक्शन के लिए पुरसकून रंग जैसे खाकस्त्री या भूरे रंग को ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल सही। तो अपने अगले कलेक्शन के लिए खाकस्त्री रंग अपनाना अच्छा रहेगा। आप जर्द रंग वाले बैगों की पैदावार रोक सकते हैं। ठीक है। एक आदमी एक अस्पताल में फोन कर रहा है। अस्पताल में हेल्थ चेकअप किस वक्त दस्तयाब है? माफ कीजिएगा, क्या मैं हेल्थ चेकअप के लिए रिजर्वेशन करवा सकता हूँ? यकीनन, हेल्थ चेकअप सिर्फ पीर, बुध और हफ्ते के रोज दस्तयाब हैं। मामूल के मुआयनों से मुख्तलिफ, आप किस दिन करवाना पसंद करेंगे? क्या इस हफ्ते को दस्तयाब है? जी हाँ, दस्तयाब है। हमारा अस्पताल हफ्ते के रोज सिर्फ सुबह के वक्त खुला रहेगा। क्या ये ठीक रहेगा? सिर्फ सुबह के वक्त? ये कुछ मुश्किल है। हफ्ता के दीगर दिनों में अस्पताल किस वक्त तक खुला रहेगा? पीर के रोज शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और बुध के रोज 8 बजे तक। अच्छा, सुबह के वक्त किस वक्त खुला रहेगा? हम सुबह 8 बजे खोलते हैं,
اگلے ہفتہ صبح کے تمام اوقات مختص ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہفتہ تک انتظار کریں تو پیر اور بدھ دونوں دن صبح 8 بجے سے دستیاب ہیں۔ اچھا، میں اپنے شیڈیول کی جانچ کر کے دوبارہ کال کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ ہسپتال میں ہیلتھ چیک اپ کس وقت دستیاب ہے؟ ایک آدمی ایک ہسپتال میں فون کر رہا ہے۔ ہسپتال میں ہیلتھ چیک اپ کس وقت دستیاب ہے؟ معاف کیجیے گا، کیا میں ہیلتھ چیک اپ کے لیے ریزرویشن کروا سکتا ہوں؟ یقیناً، ہیلتھ چیک اپ صرف پیر، بدھ اور ہفتے کے روز دستیاب ہیں۔ معمول کے معائنوں سے مختلف، آپ کس دن کروانا پسند کریں گے؟ کیا اس ہفتے کو دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے۔ ہمارا ہسپتال ہفتے کے روز صرف صبح کے وقت کھلا رہے گا، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ صرف صبح کے وقت؟ یہ کچھ مشکل ہے۔ ہفتہ کے دیگر دنوں میں ہسپتال کس وقت تک کھلا رہے گا؟ پیر کے روز شام 6 بجے تک کھلا رہے گا اور بدھ کے روز 8 بجے تک۔ اچھا، صبح کے وقت کس وقت کھلا رہے گا؟ ہم صبح 8 بجے کھولتے ہیں۔ اگلے ہفتہ صبح کے تمام اوقات مختص ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہفتہ تک انتظار کریں تو پیر اور بدھ دونوں دن صبح 8 بجے سے دستیاب ہیں۔ اچھا، میں اپنے شیڈیول کی جانچ کر کے دوبارہ کال کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.